लेकिन यहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि दूसरे जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे 200-300 रुपए में आपका अकाउंट खोल देते हैं, सालाना का पे करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी पहले साल का दूसरे साल का कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप SBI सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस एक छोटे वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पर SBI सिक्योरिटीज के सारे ब्रोकरेज चार्जेस को आपको खोल करके बताने वाला हूँ, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज हो, AMC चार्ज हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का, डिलीवरी का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, करेंसी का, कमोडिटी का। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ गाइज, मैं आपको यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए करने क्या वाला हूँ कि आपको परसेंट में कोई चार्ज नहीं बताऊंगा, आपको कैलकुलेट करके अमाउंट कितना आएगा 10,000 रुपए की ट्रेडिंग पर, वो अमाउंट आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है, जैसे अगर आप वेबसाइट पर जाकर के, कहीं पर भी जाकर के इनके ब्रोकर चार्जेस को चेक करेंगे तो आपको वहां पर परसेंट में मिलता है। एक्चुअली इनकी वेबसाइट पर तो आपको कहीं पर कोई अलग से सेक्शन भी नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट पर जाकर के भी इनके ब्रोकर चार्जेस को चेक करते हैं तो वहां पर आपको परसेंट में शो होता है, और वो आपके एक्चुअली समझ में नहीं आता। तो मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 10,000 रुपए की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, 10,000 रुपए के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस टाइम पे आपके ऊपर हर केस में क्या क्या ब्रोकरेज बनेगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिए गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने यहां पर गवर्नमेंट और रेगुलेटरी चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो चार्जेस जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। आप मेरे अपस्टॉक्स के जीरोधा वाले वीडियोस चेक कर सकते हैं, आपको उनके लिंक एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ही ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट रेगुलेटरी चार्जेस जो है वो सेम ही लगते हैं SBI के अंदर भी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस की, उससे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज गाइस यहां पर 850 रुपए का लगता है, जबकि दूसरे जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे 200-300 रुपए में आपका अकाउंट खोल देते हैं। आजकल तो कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री में ही डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स है, एंजलवन है, लेकिन आपको यहां पर 850 रुपए पे करने पड़ेंगे खाता खोलने के लिए। अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो अकाउंट मेंटेनेंस गाइस आपको यहां पर 500 रुपए सालाना का पे करना पड़ता है। यहां पर कोई भी पहले साल का दूसरे साल का कुछ भी फ्री नहीं है, हर साल 500 रुपए का आपको AMC पे करना है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस में सबसे पहले डिलीवरी की बात करते हैं। तो गाइस, डिलीवरी में जो चार्जेस लगते हैं वो परसेंट बेस में लगते हैं, और हर कैटेगरी के जो चार्जेस हैं SBI सिक्योरिटीज के, SBI कैप सिक्योरिटीज के अंदर, वो सारे चार्जेस जो हैं वो परसेंट बेस में ही लगते हैं। तो बात करते हैं डिलीवरी की। तो डिलीवरी में आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस बनने वाले हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, तो 10,000 रुपए पर 0.5% की रेट से ब्रोकरेज लगेगा, यानी कि 50 रुपए का ब्रोकरेज आपको पे करना है। जबकि जो दूसरे ब्रोकर्स हैं 20 रुपए में, आपको पता ही है चल रहा है 20 का, लेकिन 50 रुपए यहां बनने वाला है। अब बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे में जो चार्जेस हैं वो 0.075% लगेगा। अब यहां पर इस केस में जो ब्रोकरेज आपका बनेगा 10,000 रुपए पर, वो 0.075% की रेट से 7.5% बनेगा। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे होंगे यार जीरोधा स्टॉक से बढ़िया है तो 20 रुपए में, वहां 20 रुपए लगते हैं, 7.5 ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहां पर 7.5 रुपए लग रहा है 10,000 रुपए के ऊपर, लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपका ब्रोकरेज 75 रुपीज पहुंचेगा। लेकिन जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, जो इस्टेब्लिश डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनके चार्जेस आपको वहां पर 20 रुपए के से ऊपर जाकर के बंद हो जाते हैं, 20 से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन यहां कोई ऐसी लिमिट नहीं है, यहां 1,00,000 रुपए पर आपका जो ब्रोकरेज वो 75 बनेगा, 10,00,000 रुपए के ऊपर आपका ब्रोकरेज 750 रुपए बनेगा। इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस के बारे में। तो 0.03% यानी कि 30 रुपया लगेगा 10,000 रुपए की ट्रेडिंग पर। अब बात करते हैं गाइस फ्यूचर्स के बारे में। तो फ्यूचर्स के जो चार्जेस हैं वो यहां पर डिलीवरी के 0.05% और इंट्राडे के 0.03% होते हैं। कहने का मतलब है आप फ्यूचर्स को होल्ड भी कर सकते हैं, सभी जगह ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप जब फ्यूचर्स को होल्ड करते हैं तो डिलीवरी के केस में जो चार्ज लगता है वो 0.05% लगता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 रुपया लगेगा 10,000 रुपए के ऊपर, 10,000 रुपए के अगर फ्यूचर सामने खरीदे तो 5 रुपए का ब्रोकरेज, 1,00,000 रुपए का आप खरीदोगे तो 50 रुपए हो जाएगा। तो कैप नहीं है यहां पर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप फ्यूचर्स को इंट्राडे में खरीदते हैं, उसी दिन खरीद करके उसी दिन सेल कर देते हैं, तो 3 रुपए का ब्रोकरेज 10,000 के ऊपर लगने वाला है। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस के केस में गाइस जो है यहां पर फ्लैट चार्जेस लगते हैं। डिलीवरी में अगर आप किसी ऑप्शंस को खरीदते हैं तो उस केस में 100 रुपीज, और अगर आप इंट्राडे में किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना है। अब बात करते हैं हम करेंसी और कमोडिटी के चार्जेस के बारे में। तो करेंसी के केस में जो चार्जेस लगते हैं गाइस, वो आपको यहां पर करेंसी फ्यूचर्स के केस में जो चार्ज है वो 0.015% यानी कि 1.5 रुपया 10,000 रुपए के ऊपर,
और पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहने वाला है, ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है, ये सारे ही जो ऑप्शंस और फ्यूचर के जो चार्जेस हैं गाइस वो सारे ही पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहने वाले हैं, यानी कि जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तब ये चार्ज अप्लाई होते हैं। इसके बाद अगर आप करेंसी के ऑप्शंस खरीदते हैं तो उस केस में जो चार्ज है गाइस वो 20 रुपीज फ्लैट का रहता है। अब बात करते हैं कमोडिटी के चार्जेस के बारे में, तो कमोडिटी के जो यहाँ पर चार्जेस हैं वो 0.03% है कमोडिटी फ्यूचर्स के केस में, यानी कि तीन रुपये का ब्रोकरेज 10,000 रुपये के कमोडिटी फ्यूचर्स खरीदने पर। वहीं अगर आप कमोडिटी में ऑप्शंस खरीदते हैं तो उस केस में आपको 50 रुपये का देना है, 50 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज रहेगा कमोडिटी ऑप्शंस के केस में। तो आई होप कि आपको ये ब्रोकरेज चार्जेस काफी समझ में आए हैं। अब बात करते हैं गाइस हम हिडन चार्जेस के बारे में, तो हिडन चार्जेस के बारे में आपको यहां पर बताऊं कि हिडन चार्जेस जैसे कि इनकी पहली बात तो इनकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा डेटा मुझे अवेलेबल नहीं था, मैंने वहां पर काफी सारे रिसर्च करने की कोशिश की, FAQ सेगमेंट में जाकर के मैंने अलग अलग से डिटेल पढ़ी, फिर कहीं जाकर के मुझे एक लिस्ट मिली थी जो मैं नीचे पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, आप उस लिस्ट से जाकर के ब्रोकरेज चार्जेस को भी पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में इनके चार्जेस नहीं मिले, लेकिन कुछ चार्जेस मिले हैं जिनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो जैसे कि हिडन चार्जेस में पहला जो चार्ज आता है वो आता है डिलेड पेमेंट का चार्ज। डिलेड पेमेंट का चार्ज ये है कि मतलब मान लीजिए आपका जो बैलेंस है वो किसी भी रीजन से नेगेटिव चला जाता है। अब कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेगेटिव कैसे चला जाता है, नेगेटिव कैसे जाता है, तो उस केस में मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप मार्जिन लेते हैं ना तो मार्जिन के केस में आपका कई बार नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि आप मार्जिन ले लेते हैं लेकिन उसे रिफंड नहीं कर पाते, वापस नहीं दे पाते, आपके खाते में पैसा कम होता है तो जितना पैसा होता है उतना वो काट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो वो नेगेटिव शो करता है। उसके ऊपर 17% पर ईयर के रेट से यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर नेगेटिव जाएगा, या कई कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपके खाते में पैसा नहीं है और AMC का रिडक्शन हो गया, तो उस केस में भी आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला जाता है। तो उस नेगेटिव अकाउंट बैलेंस के ऊपर आपसे यहां पर जो चार्ज जो है वो 17% पर ईयर की रेट से उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है। सभी जगह होता है गाइस, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी जगह होता है, हम जस्ट इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं यहां पर एक ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारे चार्जेस यहां पर परसेंट बेस में लग रहे हैं, कोई भी फ्लैट चार्जेस नहीं है ऑप्शंस के चार्जेस को छोड़ करके, ऑप्शंस के चार्जेस भी काफी ज्यादा हैं। तो यहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है वो भी यहां पर परसेंट बेस में लग रहा है, वो लग रहा है 0.025%। कहने का मतलब है अगर 10,000 रुपये का आपने खरीदे हैं, 10,000 रुपये के शेयर आपने खरीदे इंट्राडे में और आपने उस पोजीशन को बंद नहीं किया, आपने उस ऑर्डर को क्लोज नहीं किया, तो 2.5 रुपया आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ में देना पड़ेगा। अगर 1,00,000 रुपये की पोजीशन बना रखी है तो हो जाएगा 25 रुपये, और उस तरीके से आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, मैंने आपको लेट पेमेंट का चार्ज भी बता दिया। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक प्लेज चार्ज और है जो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो भी है 0.02%, यानी कि 2 रुपया या 10,000 रुपये के ऊपर 10,000 रुपये के शेयर्स को अगर आप प्लेज करते हैं तो 2 रुपये का ब्रोकरेज, 2 रुपये की फीस वहां पर आपको पे करनी होती है। तो गाइस मोटा मोटी मैंने सारे चार्जेस को यहां पर कवर कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और ऐसा सिग्निफिकेंट चार्ज बकाया है जो आपको जानना जरूरी हो। अगर आप किसी दूसरे चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हो सकता है तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूं या उसके ऊपर कोई एक शॉर्ट वीडियो हम बना करके लेकर के आए। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट के लिंक गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनमें मेरे खुद के भी डीमैट अकाउंट्स बने हुए हैं, आप चाहें तो उनमें जाकर के भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इससे तो काफी सस्ते ब्रोकर्स आपको वो वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनके ब्रोकरेज चार्जेस भी कम है, अकाउंट ओपनिंग भी आपको फ्री मिलेगी और भी कई सारी फैसिलिटीज आपको यहां से बेहतर मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।